हेलो दोस्तों वेलकम टू उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि आप मैंने मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि नॉन साइंस का पूरा एग्जैक्ट सिलेबस एग्जैक्ट टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का नाम यहां पर मेंशन करके मैं आपके लिए लेकर आऊंगा तो मैं आज अपने वादे के साथ पूरी तरह से आप लोग के लिए तैयार हूं ठीक है तो चलिए फिर आप सभी लोग जो है जुड़ जाइए एक बार सेशन को शेयर जरूर करना क्योंकि उत्कर्ष अगर आपके लिए एक नया पहल आपके क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन भी और एक शानदार कोर्स के साथ भी तो आप लोग का इतना फर्ज बनता है कि इन चीजों को आप लोग शेयर जरूर करिएगा ठीक है अब यहां पर बात करेंगे आज केवल और केवल और और नॉन साइंस की उसके एक एक टॉपिक मतलब एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक पर बात करेंगे एक एक चैप्टर पर बात करेंगे ठीक है सबसे पहले बात करेंगे कि सर नॉन साइंस में कितने क्वेश्चन कैसे आते हैं क्या पैटर्न है तो पैटर्न मेरे प्यार टोटल जो है फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं कितने पचास क्वेश्चन यानी नंबर कितने होते हैं सर पचास नंबर के बिल्कुल मेरिट भी कितनी जाती है बत्तीस तैतीस चौतीस के आसपास रहती है यानी अगर मैं बात करोगे कि पचास नंबर का अगर पेपर हो रहा है ना तो अगर आप इसमें थर्टी फाइव प्लस लाते हो तो मतलब आपका लगभग 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 सीट जो है है पक्का हो जाता है. लगबग, लगबग, अगर बोलोगे तो सीट आपका जो है पक्का हो जाता है तो यानी आपको टारगेट जो रखना है ना इससे ज्यादा रखना है इससे कम नहीं ये नहीं कि हम सर तीस सोच रहे थे तो तीस सोचोगे तो फिर सोचते रह जाओगे इससे ऊपर का ही रखना है चालीस रखो पैंतालीस रखो ऐसा टारगेट रखो इससे कम मत रखना ये मतलब एकदम बैरियर है इससे नीचे नहीं जाना है ठीक है अब देखो कि सर कैसे ये uh, बटे हुए हैं तो इंग्लिश के टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं बीस क्वेश्चन और रागा के तीस रागा का मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड यानी अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस यानी स्टैटिक जीके पार्ट ये तीन सब्जेक्ट यहां पर हैं और इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर के तीस क्वेश्चन आपके आते हैं सर सिलेबस किस प्रकार का तो इंग्लिश का सिलेबस अगर देखोगे तो टोटल आपके अठारह टॉपिक्स में बटे हुए हैं सेम सेम एक्स ग्रुप में जो इंग्लिश आती है वाई में एक ही पेपर होता है कोई चेंज नहीं होता ठीक है बात करोगे तो कम्प्रीएस से लेकर ग्रामर वर्ड फॉर्मेशन प्रिपोजिशन नाउन एंड प्रनाउन मॉडल्स मॉडल एड वर्ग क्लाजेस एंड एरर इन देयर यूज सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन वन वर्ड सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग एरर और एडियम एंड फ्रेजेस ये सारा कुछ जो है इंग्लिश का सिलेबस है और इस ये आपको पीडीएफ उत्कर्ष के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा तो वहां वहां से भी आप डाउनलोड करके चीजों को सेव कर लेना लेना और इसको एक पेज पर लिख के जहां पढ़ते वहां रख लेना। जैसे ही आपका कंपनी तैयार हो गया तो इसको ऐसे टिक कर देना जैसे ही आपका प्रीपोजिशन तैयार हो गया ऐसे टिक कर देना जैसे आपका डिटरमाइनेट तैयार हो गया टिक कर देना इससे क्या पता चलेगा आपको जब आप बैठोगे पढ़ने के लिए अपने टेबल पे अपने चेयर्स पे तो आपको सामने पता चल जाएगा इतने टॉपिक मेरे क्लियर है ये टॉपिक पेंडिंग है इनको करना है हमें तो आपका एग्जैक्ट आपकी तैयारी कितनी है ना वो डेली आपको पता रहेगी ये नहीं रहेगा कि आपको सोचना पड़ेगा मन में सोच रहे हो कि मेरी तैयारी सब हो चुकी है सामने वो दिखेगा इसलिए सिलेबस जानना और जहां पढ़ते हो वहां पर उसको पेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ठीक है नाउन एंड परनाउन मॉडल्स क्लॉजेस एडवर्ब ये सारा कुछ ये आपका जो है इंग्लिश का सिलेबस है इसके बाद अगर मैं बात करोगे रीजनिंग

एनलॉगी नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका जो है नॉन वर्बल रीजनिंग नंबर नंबर कोडिंग और पजल ये सारे कुछ जो है आपके टॉपिक हैं जो रीजनिंग के आपके एग्जाम में आते हैं रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अर्थमेटिक से थोड़े क्वेश्चन कम हो जाते हैं लेकिन रीजनिंग से अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं तो रीजनिंग जो है बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार आपका रहना चाहिए अगर आपने सपना देखा है वाई ग्रुप में कुछ अच्छा करने का यानी इसकी वर्दी पहनने का ठीक है इसके बाद अगर बात करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स अर्थमेटिक में आपका रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज एलसीएम प्रॉफिट एंड लॉस टाइम डिस्टेंस स्पीड परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स फ्रैक्शन यहां पर आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल स्क्वायर रेक्टेंगल इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ एंड वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी और सिंपल टेगोमेट्री मतलब सिलेबस छोटा है ठीक है और इससे भी लगभग आपके जो है सात छह सात आठ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको जो है इसको भी तैयार रखना है लेकिन हाँ

राष्ट्रीय उद्यान सारे आपको याद करने पड़ेंगे जैव आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व विश्व धरोहर ये सारा कुछ जो है आपका जनगणना तक आपको पूरा तैयार करना है ये आपका पहला पार्ट जी का दूसरा पार्ट भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी वाला पार्ट हो जाता है बेसिक्स आते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बस वही कुछ पॉइंट्स में नौ पॉइंट्स में आपको जो है पूरा उच्चतम न्यायालय से लेकर संसद प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और करेंट से रिलेटेड ज्यादा मतलब ये ज्यादा इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो करेंट से रिलेटेड ज्यादा हो जाते हैं इनमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो करेंट से रिलेटेड ज्यादा हो जाएंगे तो आपको उस पर ध्यान देना है ठीक है इसके बाद अगर बात करोगे तो इतिहास और कला संस्कृति से भी पूछा जाता है जैसे भारत आ, ये लोक नेत्र बहुत ही फेमस है मतलब एकाध क्वेश्चन आ ही जाता है इतना फेमस है समझ जाओ क्रांतिकारी आंदोलन से भी एकाध क्वेश्चन आ जाता है ठीक है तो ये कुछ ऐसे हैं ना जो जो आपके यहाँ पर मुख्य मुख्य टॉपिक यहाँ पर लिखे गए हैं और इनको जो है आपको पूरी तरह से जो है तैयार कर लेना है ठीक है इसके बाद अगर देखोगे तो सामान्य विज्ञान विज्ञान यानी के भी कुछ पॉइंट दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये उनके जो है इन टॉपिक से रिलेटेड जो है दो तीन क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं यहां से इसके बाद कंप्यूटर जीके में ही कंप्यूटर पार्ट से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है तो ये सब जो है मेजर और विविध मतलब विश्व में प्रथम कौन था फर्स्ट ले ये फर्स्ट वो भारत में प्रथम कौन है प्रथम भारतीय पुरुष व्यक्तित्व प्रथम भारतीय महिला व्यक्तित्व में कौन कहा प्रथम था यानी प्रथम सांसद कौन कौन था था प्रथम ये कौन था? तो ये तो सारा कुछ राष्ट्रीय प्रतीक एवं पर्व पहली प्रधान मुख्यमंत्री कौन थी तो ऐसा कुछ आपका जो है इसके अंदर हो जाता है प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना तो ये सब आपको पूछ देता है एक प्रमुख बुक जो है मुझे अक्सर देखने को मिल जाता है ठीक है प्रमुख दिवस पुरस्कार खेलों से रिलेटेड करेंट से रिलेटेड तो कर में, में हुए है, उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा ठीक है पुरस्कार वर्तमान पदाधिकारी ये सारा कुछ ये टॉपिक वाइज जो है और हाँ मिलिट्री एक्सरसाइजेज इनसे भी जो है आपका क्वेश्चन बनता है तो ये पूरा का पूरा जो है जीके का पोर्शन है यानी स्टेटिक जीके का पोर्शन है और इस प्रकार से जो है आपका सिलेबस है आप कहोगे सर तैयार कैसे करें करा दो आप तो बिल्कुल हम आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से अल्टीमेट तरीके से तैयार करने के लिए लेकर आ चुके हैं बलिदान बैच ठीक है कौन सा बैच है भाई तो एयर फोर्स एक्स और वाई ग्रुप यानी साइंस नॉन साइंस ग्रुप के लिए लेकर आ चुके हैं बलिदान बैच अब इस बलिदान बैच में एक्स ग्रुप का अगर बात करोगे तो आप टू में वाई ग्रुप टू में और एक्स वाई अगर कॉम्बो लेते हो तो टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड में जो है आप जुड़ सकते हो ये जो ऑफर है आपका वो 30 जुलाई तक है और अगर कोई जुड़ने में दिक्कत हो रही है जैसे कि आपको पता नहीं चल पा रहा या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो ये नंबर दिया गया नाइन एट टू नाइन टू वन थ्री टू वन थ्री इस पर ट्वेंटी फोर इंटू सेवन में कभी भी कॉल सकते हो सातों दिन चौबीस घंटे कभी भी कॉल कर सकते हो और यहां पर जो है अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो तो शानदार जबरदस्त बैच आ चुका है बेटा चीजें इसीलिए अच्छी है क्यों मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ भी आपको बाहर से करने की जरूरत नहीं है आपको ऐसा नहीं कि सर कौन सा बुक पढ़ लें कौन सा बुक पढ़ ले? भाई हम पहले से ही देंगे तुम्हें एक भी चीज आपको बाहर से नहीं पढ़ना इस बलिदान बैच में जो बलिदान बैच आपको दिख रहा है एक भी कुछ भी प्रैक्टिस तक बाहर से नहीं करना टेस्ट तक बाहर से नहीं लगाना कुछ भी सब उत्कर्ष परिवार आपको तैयार कराएगा आपको यह नहीं कहना कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवा दो सारा कुछ कराएंगे हम इसके अंदर ना कोई मेटीरियल आपको बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगी सब जो है एयरफोर्स का पूरा मेटीरियल आपको यहां पर मिलेगा सर क्या क्या मिलेगा बता दो तो सबसे पहले क्लास देख लो बीस जुलाई से यानी ट्वेंटी जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगी बलिदान बैच की पूरे टीचर जो है ए टू जेड बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं एक एक डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं क्योंकि स्पीड बहुत ही स्लो और बहुत ही प्यारा तरीके से आपको समझाएंगे ई बुक तो तो क्लास, क्लास दिख, दिख रहा है क्लास नोट्स दिख रहा है टेस्ट दिख, दिख रहा है अब आपको कहोगे सर ये है क्या तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले एक एक चीजों पर डिस्कस करते हैं स्टूडियो का मतलब स्टूडियो में एक एक टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा एक एक मेंटर जो है स्टूडियो से आपकी क्लासेस सारी कराएंगे और वही वीडियो आपको वहां पर लाइव मिलेगी लाइव और जैसे ही लाइव क्लास ले, ले रहो, बाई किसी कारण से छूट जा रहा है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में आपको डेली लाइव आपकी क्लासेस चलेंगे ठीक है इसके अलावा सेकेंड कंप्लीट ई बुक आप कहोगे सर ये ई बुक कैसे जो यहां पर ऑफलाइन सेंटर्स में हम बुक्स देते हैं जिसमें हम क्रम वाइज टॉपिक वाइज

वहां पर बच्चों को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करने के लिए हम ये बुक देते हैं और यही आपको जो है यहां पर मिलने वाला है इस बलिदान बैच के अंदर सारे सब्जेक्ट के आप सोचोगे सर दो है नहीं ये दो केवल बड़ा सा दिख जाए इसलिए आपको दिखाया जा रहा है पूरा आपके जो है इंग्लिश आता है इंग्लिश अर्थमेटिक आता है अर्थमेटिक ठीक है रीजनिंग और स्टैटिक जीके ये चार सब्जेक्ट आपके आते हैं चारों सब्जेक्ट के इसमें ई बुक मिलेंगे अगर आप कॉम्बो ले रहे हो तो आपको उधर फिजिक्स और मैथ्स के भी मिल जाएंगे यानी शानदार जबरदस्त तरीके से जो है आप लोग अपने आप को यहां पर तैयार कर सकते हो सारे फीचर्स के साथ आपके वीकली पचास से अधिक मॉक टेस्ट है कुछ भी आपको बाहर से करने की जरूरत ही नहीं है आपको सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज अपने आप को बार बार जांचो हर, हर एक बार अपने आप को जांचो अपने आप को तैयार करो तो मेरे प्यारे बच्चों अब तैयार हो जाइएगा शानदार जबरदस्त तरीके से उत्कर्ष के इस नए क्रांति में और इस बार तेरह अक्टूबर वाला दिन जो है वो आपका होना चाहिए और उस दिन जो सिलेक्शन होगी जो रिजल्ट होगा वो आपको बताएगा कि आपने वाकई में शानदार तरीके से हमारे साथ मेहनत किया है तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे 20 जुलाई में पहली क्लास में शानदार जबरदस्त तरीके से और तब तक के लिए लव यू ऑल जय हिंद जय भारत